रैपर्स एंड हिप हॉप का मेन मोटो था यूनिटी पीस बॉन्डिंग आर्ट तो बहुत बाद में आया बट वो एक ब्लैक कम्युनिटी जो था कि उन लोगों को खुद के यूनाइट करके एंड थ्रू आर्टिज्म तब ड्रग्स गन्स वायलेंस वो रास्ते में उनको नहीं फॉलो करना था इसलिए कि हम लोग एक म्यूजिक आर्टिस्टिक वे ले तो यूनिटी तो वही बोल रहे हिप हॉप तो यूनिटी अप्रीच करना है लोगों सही चीज के लिए तुम गलत के लिए क्यों कर रहे हो ज्यादा कुछ अलग मुद्दे नहीं है इसके आर्ट से रिलेटेड मुद्दे है तुम रैपर हो तुम ये क्यों प्रमोट कर रहे हो रैपर्स को ये नहीं करना चाहिए तो आर्ट सब्जेक्टिव मुद्दा चल रहा है अभी हेलो सब गैंग क्या हाल चाल कैसे हो तुम लोग वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड स्पेस दिस साइड मिराज होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड हमने किया था रिएक्ट चैन के दिस असली हिप हॉप 2.0 के ऊपर जो कुछ दिन पहले नहीं कल ही आया है और हमारे चैनल पर रिएक्शन है एंड कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा बातें हुई है अच्छी बुरी दोनों एंड की बायस तुम्हें चैन के सुनना चाहिए तुम हिप हॉप नहीं सुनते सही है अच्छा है कमेंट्स हो रहे हैं मेरे को मजा आ रहा है दोनों टाइप के कमेंट्स मेरे को देखने में सही लग रहा है तो मैं सोचा कि असली पॉप वन है पार्ट वन पहला वाला सुनते हैं एंड इसका दो वेरिएंट है यूट्यूब में एक 5 मिनट वाला और एक 6 मिनट वाला तो 6 मिनट वाले में रफ्तार का जो गाना आया था जी के ओर से मंटोयत उसका क्लिप्स था इसीलिए जी से कॉपीराइट ब्लॉक हो गया था वो वीडियो तो इसलिए ये वीडियो आया है 1 मिनट कम है छह मिनट तो हमने चूज किया इस पे रिएक्ट करने को क्योंकि हमें भी कुछ ब्लॉक फ्लॉक चाहिए नहीं वो वाला सीन नहीं है तो चेक करते हैं कि असली पॉप पहले वाला जो वर्जन है उसमें क्या सीन है 5 साल पुराना गाना है और जैसे कि तुम लोग लाइक मोस्ट ऑफ यू वर सेइंग कि चैन के बहुत पुराने टाइम्स है सीन में तो थोड़ा सा सबर रखो हम लोग धीरे धीरे चैन के पुराने सारे प्रोजेक्ट्स पुराने सारे सिंगल्स चेकआउट करेंगे तब तक के लिए बने रहो तुम चैनल पे एंड ऐसे ही प्री कंसीव्ड नोशन नहीं बना लो एक रिएक्शन देख के क्योंकि वो रिएक्शन का बेसिस या फिर मुद्दा वैसे रिएक्ट करने का यही था कि चैन के रील्स चैन के रील्स भाई तुम अगर जो नया नया देखेगा वो तो भाई सीरियस लेगा ही नहीं ना मैंने पहले ही बोला था कि मैं सीरियस नहीं ले रहा हूँ कुछ बातें बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स थी जो सीरियस लेने वाली थी बट मैं यही बार बार बोल रहा था भाई ये करने का फिर तू क्या कर रहा है यार तू मशहूर हो सकता है मशहूर यार तू हनी सिंह को देख बादशाह को देख कितने लोग इनकी इज्जत करते कोई नहीं परवाह करता यार डिमांड है ऑडियंस की दंगी लड़कियां यार तू सब छोड़ तू देख अब तो बोहेमिया भी रफ्तार के साथ फिर रहा है ना तो तू क्या पागल है क्या तू यार अपना डिवाइन भी तो रैपर है ना यार लोग उसको बोलते है ना रैपर उसने क्या कभी क्लब और लड़कियों पे गाने नहीं बनाए क्या यार करना पड़ता है यार करना पड़ता है कोई भोंग के हनी सिंह बहुत अच्छा मुद्दा उस टाइम के हिसाब से मैं तो बहुत ज्यादा रिलेट या फिर ये बोलूंगा क्योंकि बादशाह हनी सिंह ये सबको अब्यूज या फिर अब्यूज सॉरी ये सबको बोला जाता था बहुत इंडियन न्यूज चैनलों भी कि ये लड़कियों का ये वाला न्यूडिटी प्रमोट करते हैं ऐसे हनी सिंह तो तब भी करता था आज भी करता है हाँ तो वो वाला सीन है वो इंट्रोड्यूस हुआ है इंट्रो स्टार्टिंग हुआ है गाने का तो डिवाइन को एक इंटरव्यू में बहुत पहले पूछा गया था डू यू कंसिडर हनी सिंह एज रैपर तो और या फिर बादशाह भी था आई गेस सो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा तो बोला नो दैट इज नॉट रैप दैट इज पॉप हाँ तो उसके बाद से हनी सिंह ने खुद को पॉप बोल के पॉप आर्टिस्ट जैसे एक आर्टिस्ट बोल के क्लेम करने लगा क्योंकि जब बचपन में सब हम लोग सब सुनते थे तो हम लोग सब कोई रैप ही बोलते थे एंड डिवाइन उस वक्त भी ये पॉइंट उठाया था कि हम लोग सिर्फ लड़की दारू गाड़ी ये सब पे गाने नहीं बनाते हम लोग असल जिंदगी के ऊपर गाने बनाते तो दैट इज अ गुड स्टार्टिंग अकॉर्डिंग टू अ सॉन्ग एंड ऐसा ही कुछ स्टार्टिंग असली पॉप 2.0 में भी हुआ था कि जिनके देखते रहो ये ऐसा कुछ लेट्स गो सॉन्ग के बादशाह हिप हॉप पे कोई छोड़े सब फ्लॉप हैं वो पॉप अदाकार रफ्तार हिप हॉप है रॉन्ग इक्का हमारा रैपर है कौन तिक्का परदान हमारा कंजर है चल जो भी है ये वो रैपर्स नहीं ये मेरे कानों के रैपर्स हैं अरे मजाक से हट के अल्फाज इनके सुन के कान मेरे सुनिए बकवास इनके गाने ड्रामेबाज फहाश इतने क्यों ये छोटे लिबास पहनाकर औरत जात को अकड़ में रैपर्स ये शराब शराब के नारे लगाकर लड़के शायर ये सबको ये पता कि बोहेमिया ने पाक हिंद में असली रैप का आगाज वो किया जो जानता नहीं कर ले विकिपीडिया पाकिस्तानी की रोजी के लिए फोलनिया दिल खोल दिया देसी परदेश में रहने का दुख तजुर्बा वो बोल गया फिर हो गया सीन हनी सिंह का चारों ओर चार बोतल वोट का पप को पिना दिया हिप हॉप का टोपा
एक दो के अलावा पप को पहना दिया हिप हॉप का टोपा। फिर बोहिमिया की बात की गई कि बोहिमिया बाहर देश में रह के देश विदेश की बातें कर गया बंदा। बोहिमिया को विकिपीडिया में जाके सर्च कर शिफ्ट भी हो गया या एंड अभी भी मतलब वो रिसेंट अपने इंटरव्यू में बोल रहा, इंटरव्यू में नहीं स्टोरीज पे शेयर कर रहा था कि कैसे रोलिंग स्टोन इंडिया ने या फिर इंडिया के कोई मैगजीन ने उन्हें कवर नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, ये मैंने तो इसीलिए एंड सब लोग उसे पूछ रहे थे कि क्यों वो अपनी वर्ल्ड टूर में इंडिया को नहीं रख रहा है। तो ये उसका ग्रज था कि भाई मैं इंडिया को मतलब इंडिया में मैंने रैप सीन के लिए इतना कुछ किया फिर भी मेरे लाइक इस देश में मुझे कवर नहीं कर रहे हो तो इसीलिए मैं यहाँ का यहाँ पे टूर नहीं रख रहा। लोगों को धोखा, झूठा हूँ मैं तो कोई सच बता दो या मुंह पे रख के मेरे मारो। जूता प्रदान हो गया गोलू या इक्का, ये औरतों को नंगा करे खुल्लम खुल्ला। मैं वो मुल्ला नहीं चला जो अल्लाह चिल्ला के कुरान पाक रख दो सीधे हाथ पे गीता या पढ़ लो इंजील तौरात। ये हर मजहब में कुछ चीजें मनाइए, जो चीजें मनाइए वो रैपर्स फैला के सुना दे फिर जमाने जमीर के फसाने। हाँ मीडिया में वाह बे अजीब सा ये ट्रेंड है, हार्टलेस की मुन्नी फिर मूव इट वरीना। ये मैं वो कमीना नहीं ना बेहस जो किसी के घर वालों को डिस करे, पर बादशाह से सवाल मेरा क्या तू अपनी बेटी को शूटिंग्स में मिस करे। तुम आर्टिस्टों के एक से एक किससे सेक्स पे बहस रुक जाएगी सिर्फ इस शर्त में जिस दिन अपनी बेटियां बेचोगे डिस्प्ले में, जब पहुंचेंगी वो भी 24 उम्र में। घर नहीं चलता भाई घर नहीं चलता, बेचो इज्जत औरतों की घर नहीं चलता। डर में अब कमर चल होना पड़ेगा इन दलों का वरना भाई घर नहीं चलता। और ये नहीं मैं कह रहा भाई ये मुद्दा तो बहुत पहले इस बंदे ने उठाया है, वैलिड मुद्दा है। बंदे ने पूरा वीडियो अपनी रूम में खुद शूट किया और खुद एडिट किया, मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ रही थी। डैम भाई क्रिएटिविटी तो है उसके पास, वो तो जब ये थॉट ही है उसका ऐसा तब तुम क्या बोलोगे कि हाँ बोल रहा है कि हर मजहब में कुछ चीजें मना की गई है, ये रैपर्स उसी चीज को फैला रहे हैं। एंड जब तेरी बेटी 24 की होगी तब एंड तू हर बार ये करने मस करेगा एंड बोलेगा कि घर नहीं चलता है, घर चलाने को पैसे लगते हैं एंड पैसे कमाने के लिए तेरे को ये सब चीज दिखाने को पड़ता है, न्यूडिटी लड़कियां दारू एंड इससे यूथ का बिगड़ रहा है, यूथ बिगड़ रहा है। मैंने ये नहीं किया, एटलीस्ट हम जितना जान रहे हैं या फिर जितने गाने देखा है सोच इनके ये नहीं कर रहा है, तभी तो क्लेम कर रहा है, अगर करेगा तो वो वाला सीन अलग है। बट डैम दैट्स अ गुड पॉइंट। उस ज्यादा कुछ अलग मुद्दे नहीं है इसके, आर्ट से रिलेटेड मुद्दे है। तुम रैपर हो तुम ये क्यों प्रमोट कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा हूँ, रैपर्स को ये नहीं करना चाहिए, तो आर्ट सब्जेक्टिव मुद्दा चल रहा है। सच जरूरी नहीं मेरी बातों को पलटना बिल्कुल भी नहीं, वरना हो जाएगी बदतमीजी और ऐसी जो तुम लोगों ने देखी होगी नहीं। गोली मारू लेबलों की शर्तों को, मेरे हाथों में फोन और ये 4G तो जिसको भी शक हो मशहूरी का भूखा मैं सुन लेटी सीरीज में हराम खोरी है। जिसको भी शक हो मशहूरी का भूखा मैं सुन ले वो बॉलीवुड करप्ट पूरी है भूखी है, तभी असली हिप हॉप जैसी मूवी में चुम्मी दिखाना जरूरी है। Wow, damn. That was like related दबाया गया हुआ मुद्दा कि वो हिप हॉप like जो मूवी आई थी गली बॉय उसमें चुम्मी दिखानी पड़ी। या मतलब वो जरूरी है क्योंकि उनको मूवी बनाना था, हिप हॉप नहीं प्रमोट करना था। डैम तो हिप हॉप में ये सब नहीं चलता है अकॉर्डिंग टू चिन कैन। या भूषण कुमार तो एंड लेबल्स की बात कर रहे हैं, लेबल्स के कितने मांग होते हैं इस गाने में, आई मीन इस गाने के ये गाने के इस वर्षन में उस गानों की लाइक बादशाह का रफ्तार सब गानों की बस नाम मेंशन है, क्लिप्स नहीं डाली गई है क्योंकि वो जी से ब्लॉक हुआ था। आई गेस सो कौन कौन से गाने में उन्होंने ऐसा ऐसा परफॉर्म किया एंड रफ्तार का बेबी मरवा के मारेगी भी था मैंने सुना है। एंड लेबल्स की बात थी कि लेबल्स बट तुम एक्चुअली लाइक अगर बाहर का सोचो वहाँ पे ये सारे ट्वर्क कल्चर रैप के साथ प्रमोट की जाती है, दैट्स द पॉइंट। बट ही इज लाइक प्रमोटिंग इट हियर इन द देसी कल्चर, तो यहाँ पे तो वो सब नहीं चलता, वही बंदा बोल रहा है।
बोलता है कि किसी के भी धर्म में ये सब करना मना है। रैपर्स एंड हिप हॉप का मेन मोटो था यूनिटी पीस बॉन्डिंग आर्ट तो बहुत बाद में आया बट वो एक ब्लैक कम्युनिटी जो था कि उन लोगों को खुद के यूनाइट करके एंड थ्रू आर्टिज्म तब ड्रग्स गन्स वायलेंस वो रास्ते में उनको नहीं फॉलो करना था इसलिए कि हम लोग एक म्यूजिक आर्टिस्टिक वे ले तो यूनिटी तो वही बोला कि हिप हॉप तो यूनिटी प्रीच करना है लोगों सही चीज के लिए तुम गलत के लिए क्यों कर रहे हो ये वो बंदा उठा रहा है। अपन लेबल्स की बात मेरे को अच्छी लगी कि लेबल्स के चोचले हैं बहुत हम लोग आर्टिस्ट से सुने कि लेबल्स ये डिमांड करते हैं वो डिमांड करता है मींस क्या डिमांड करता है कमर्शियल गाने बनाओ लड़की के ऊपर का दाढ़ों के ऊपर बनाओ इसलिए वो बोले कि मेरे 4G का फोन है तो तुझे लगता है कि मुझे मशहूरी हाइप का शौक है तो यू आर रॉन्ग ब्रो। मैं ये हाइप के लिए ये भी बहुत सही बात है कि जब तुम एक उस लेवल में वायरल जा रहे हो हर एक बच्चा हर एक लाइक यंग स्टार तुम्हें सुन रहा है स्पेशली हनी सिंह एंड रफ्तार का बात कर रहा है तब तुम अगर तुम्हारे सारे गाने न्यूडिटी प्रमोट कर रहे हैं एंड लाइक स्पेशली अल्कोहल प्रमोट कर रहा है तो या दैट इज वेरी मच क्या बोलूं उनके दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है ना कि उनके दिमाग में यही बैठ जाता है कि भाई अमीरी या फिर फ्लेक्स का मान मतलब फ्लेक्स यही होता है लड़कियां एंड दारू तो या है ये तो है भाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर टू सेव वर्ल्ड भाई ये पीछे अच्छा बज रहा है हाँ ना तेरे मुझे छोड़ दे मुझे ना तेरे दे हाँ अब बोलोगे चैन को कितना वहम गलत फहमियाँ चलो मान लिया कमेंट तेरा कि चैन को हिप हॉप नहीं जानता वो पर फिर भी मुझे लगे बेकार रफ्तार कलाकार मक्कार दज्जाल लगातार जिम्मेदार बलात्कार का सुधार दूंगा सबको कर करके वार मैं समझदार हजार नहीं तो समझ जाएंगे दो चार मिट्टी की खाल मैं फरिश्ता नहीं भाई इनकी तरह मैं गुनेगार बाढ़ में जाओ सारे शराब पियो अचार पीछे घुसा के कब्ज में उछलो बस प्यार से समझ लो मैं हार नहीं मानता मेरे गानों से दूर अपना सर्कस ये रखो शख्स मैं बदतमीज सा इंडस्ट्री में वाहिद असली मैं डीट का गस पे बस ये मेरी नस का खून गर्ज में दिल चीर दिया मुझे क्या पता था खून मैंने दिल चीर दिया पन्नों पे वो मींस हाथ से वो बना रहा है कि मैं दिल चीर गए खून निकाल के ये सब लिख रहा हूँ एंड जैसे बीट थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है भाई यही थॉट असली हिप हॉप 2.0 में कैरी की गई है क्योंकि वहाँ पे भी ब्लड ऐसे मुंह में ये करना ऐसा था एंड उसने कि नादिर ने चैन को मारा ना उनका पूरा नाम है नादिर चैन सिद्दीकी या बट ड्यूअल पर्सनालिटी शो कर रहा है एंड किसी ने किसी को तो मार डाला एंड उसके बाद वो बोला कि मेरा हिप हॉप अलग है और मैं समझदार हजार के लिए नहीं दो चार मुझे समझेंगे मैं इंसान के लिवास में कोई क्या फरिश्ता नहीं हूँ बट इनके तरह गाने नहीं बनाता हूँ तो या वो सेंट्रिक मुद्दा है कि आर्ट मैं इस तरीके से फैला रहा हूँ आर्ट ये इस तरीके से फैला रहे ये आर्ट नहीं है चैन के लिए इनको अगर पैसा कमाना है कुछ और करें ये ऐसे करके लोगों को यूथ को ये ना करें क्योंकि लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल यही सोच रहे हैं ना कि वो आर्ट है और वो क्रिएटिविटी और वो रैप है या पाकिस्तानियों के साथ हिंदुस्तानी भी प्यार देंगे इस अल्लाह वाले को जिनके घर में भगवान वो भी प्यार देंगे बुखार सबको हिप हॉप का पर असली हिप हॉप की लिस्ट तो मेरे पास है डार दुरानी फारिस अंजुमनेजी लाहौरी लेजरस कालो में खास है अंजुम भाई तो थे फिर वहाँ कैसे कमर्शियल बनाने लग गए उसके असली पॉप 2.0 में उनको भी पिला गया या ओके दिल में हम सबके जिंदा खुदा है रही बात इक्का वगैरह की मेरे लिए ये तो ढिंचक पूजा है जो भी है वो मुद्दे वाली बात नहीं है मुद्दे वाली ये बात है गाइस कि मेरे को ऐसे लोग पसंद है ना जो भीड़ से अलग रहते हैं समझो ना
जो अकेला फाइट करते हैं, दिख रहा है बंदे में अकेला फाइट कर रहा है, बट आई डोंट नो भाई. बट ऑनेस्टली ब्रो, इफ यू आर लाइक कमिंग फ्रॉम लाइक गेटिंग टू नो चेन के आफ्टर जस्ट वाचिंग हिज रील्स, तुम्हारा एक डिफरेंट परसेप्शन होगा. ये क्या चुतिया बंदा है, ये क्या चुतिया आप कर रहा है. पिछले वीडियो में यही था हमारा परसेप्शन कि भाई इसने डिस किया था. मेरा परसेप्शन तो यही था, इसने वंस अपॉन अ टाइम डिस किया था, फिर ये रील में ऐसा क्यों बोल रहा है. तो उस हिसाब से उस परसेप्शन लेके अगर तुम चलोगे तुम्हें तो वियर्ड ही लगेगा ना. या जो डिस हुआ था सबको पता है, चेन के अंजुम डिस हुआ था, चेन के यंगस्टर डिस हुआ. फिर मैं तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, मेरे को नहीं सुनना है, नहीं सुना मैंने. उसके बाद रील्स पे आया, अचानक पॉपअप करता है एंड क्रेजी जैसा बिहेवियर, क्रेजी बातें, एंड जो ऐसे करता है वो हाइप के लिए करता है. रैंडम उठ के आके तुम अगर ऐसे करोगे तो हाइप के लिए ही करोगे, वो वाला सीन है. फिर ऐसे गाना सुना तो गाना अच्छा था, मैंने बोला भी कि गाना बैंगर है, डिस है, ऑडियंस कंज्यूम करेगी, अच्छा गाना है, बट मैं सीरियस नहीं लूंगा. इसके बाद इस चीज को देखता हूँ, मेरे को मुद्दा समझ आता है कि उसका मुद्दा क्या है, व्हाट इज हिज मुद्दा. इसका इंग्लिश नहीं था मेरे को पता, इसलिए मैंने मुद्दा ही बोला. मॉडल ग्राउंड पे चलता है, या चलता वही है कि आर्ट मेरे लिए है, आर्ट तुम्हारे लिए वो है, वो आर्ट नहीं है, तुम आर्ट इस लाइक वही हो गया ना, फॉल्स प्रॉफिट टाइप का. लाइक फॉल्सली क्लेम कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू हिम दे आर नॉट रैपर्स, दे आर लाइक प्रमोटिंग दिस दिस दिस, एवरीथिंग आर्ट स्टैंड्स अगेंस्ट. बट बहुत लोगों का बहुत अलग भी मानना है, चेनके का ये मानना है, तो इंडस्ट्री वैसे नहीं चलती जैसे हम सुनते हुए आए, और रैपर्स इंटरव्यूज पॉडकास्ट बड़े बड़े आर्टिस्ट के साइड से ना, इंडस्ट्री ऐसी नहीं चलती. जो ऐसा क्लेम करते करते जा रहा है कि मैं हिप हॉप करूंगा, मैं ये करूंगा, वो एट सम पॉइंट जब वायरल होगा उसे पूरा ऑडियंस को केटर करने के लिए कमर्शियल देना पड़ेगा. तो वैसे इंडस्ट्री चलती है. देन ही इज दैट ही इज सेइंग कि भाई अगर पैसे कमाने तो दूसरा कुछ करना, तेरे को घर चलाना है तो तुम ऐसे प्रमोट ना करो. हम लोग उस मुद्दे में नहीं जाते हैं, ये अपना मुद्दा लेके बोला, अच्छा गाना था, मजेदार गाना था, और भी गाने चेक करेंगे. चेक के और से हम लोग कौन सा गाना कवर करें प्लीज बताओ कमेंट्स में बताओ, एंड जिसके कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उसी के कमेंट में हम लोग मीन्स उस गाने को चेक करेंगे. एंड तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड वीडियो को शेयर कर दो. मिराज का चैनल चेक करो, उस चैनल पे एपी डिल्लॉन का लेटेस्ट ट्रैक आया है, एंड किंग की पूरी एल्बम आई है, सो एंड जगह चेक करो.